क्या आप लाइफ की अनप्रडिक्टेबिलिटी से ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं? एपिक्टीटस के विजडम के साथ किसी भी परिस्थिति को अडेप्ट करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन कैसे करें, डिस्कवर कीजिए। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर केओस और अनसर्टेंटी से भरी होती है, स्टोइसिज्म का एंशंट फिलॉसफी रेजिलियंस और ग्रेस के साथ लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एक टाइमलेस रोड मैप प्रदान करता है। एपिक्टीटस, एक भूतपूर्व स्लेव जो एक स्टोइक फिलोसोफर के रूप में प्रोमिनेंस में आए, ने हमारी इंटरनल वर्ल्ड, हमारे थॉट्स, परसेप्शंस और रिएक्शंस की पावर पर जोर दिया, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के हमारे एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। उनके वर्ड्स, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स, स्टोइक विजडम के एसेंस को इनकैप्सुलेट करते हैं और इस वीडियो के कॉर्नरस्टोन के रूप में काम करते हैं। एपिक्टीटस पहली सदी ईस्वी में स्लेवरी में पैदा हुए, एक ऐसा जीवन जिया जिसने रेजिलियंस को एपिटमाइज्ड किया। कठिनाई और एडवर्सिटी को सहन करने के बावजूद वह विजडम के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरे, अपने फॉलोअर्स को सिखाया कि कैसे अस्तित्व के टुमल्चुअस समुद्रों के बीच काम है। एक यंग एपिक्टीटस की कल्पना कीजिए, रोमन स्लेवरी की क्रूर परिस्थितियों को सहन करते हुए फिर भी उनके मन में नॉलेज और सेल्फ मास्टरी के लिए एक आग जल उठी। यह आग स्टोइक टीचिंग्स से प्रेरित होकर अंततः उन्हें मुक्त कर देगी, शारीरिक अर्थों में नहीं बल्कि कहीं अधिक प्रोफाउंड तरीके से। एपिक्टीटस ने डिस्कवर किया कि सच्ची फ्रीडम बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन के अंदरूनी किले में मास्टरिंग करने में है। उनकी टीचिंग्स सदियों से चली आ रही हैं, हमें स्टोइक फिलॉसफी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की एक झलक प्रदान करती है। एक ऐसा फिलॉसफी जो वर्च्यू, रीजन और नेचर के अनुसार जीने पर जोर देता है। एपिक्टीटस के वर्ड्स, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स, एक टाइमलेस ट्रूथ के साथ रेजोनेट होते हैं। एक ऐसा सच जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना एंशंट रोम में था। हम अक्सर खुद को कठपुतली की तरह पाते हैं, लाइफ की घटनाओं पर इम्पल्सिवली प्रतिक्रिया करते हुए भाग्य की हवाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन एपिक्टीटस ने हमें उन डोरियों को तोड़ने के लिए यह पहचानने के लिए प्रेरित किया कि हम भाग्य के केवल प्लेथिंग्स नहीं हैं बल्कि अपने जीवन में एक्टिव एजेंट्स हैं। एपिक्टीटस की टीचिंग का क्रक्स कंट्रोल के डिकॉटमी को पहचानने में है, उन चीजों के बीच का फंडामेंटल अंतर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। यह प्रिंसिपल स्टोइक फिलॉसफी का केंद्र एक कंपस का काम करता है जो हमें जीवन के तूफानों के बीच ट्रैंक्विलिटी की ओर गाइडिंग करता है। एक सर्कल की कल्पना कीजिए जो दो भागों में विभाजित है। इनर सर्कल के भीतर वह सब कुछ है जिसे हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे थॉट्स, इमोशंस, जजमेंट्स और एक्शंस। यह हमारा डोमेन है, वह दायरा जहां हमारी पावर रहती है। इस सर्कल के बाहर एक्सटर्नल्स का विशाल और अक्सर अशांत क्षेत्र है, इवेंट्स, सर्कमस्टेंसेस, दूसरों की राय, जिन चीज़ों पर हमारा बहुत कम या बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। हमारा अधिकांश सफरिंग उन चीज़ों को कंट्रोल करने के हमारे फ्यूटाइल प्रयासों से उत्पन्न होता है जो हमारे इन्फ्लुएंस के क्षेत्र से बाहर है। हम वेदर को लेकर परेशान होते हैं, दूसरों के कार्यों पर लमेंट करते हैं और चीज़ों को उनके होने से अलग होने की अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं। एपिक्टीटस के अनुसार यह हवा को बहने से रोकने या ज्वार को अपने ऐब और फ्लो को रोकने की आज्ञा देने जैसा है। यह फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और अंततः निराशा का एक नुस्खा है। एपिक्टीटस का तर्क है कि सच्ची फ्रीडम अनकंट्रोलेबल को स्वीकार करने में है, चीज़ों के नेचुरल ऑर्डर के प्रति समर्पण करने में है। इसका मतलब पैसिव रेजिग्नेशन नहीं है बल्कि हमारे फोकस और एनर्जी का एक रेडिकल रीअलाइनमेंट है। अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करने की अपनी आवश्यकता को त्याग कर हम खुद को
वास्तव में मायने रखने वाली चीज़ों, अपने इंटरनल लैंडस्केप के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए मुक्त करते हैं। यहीं से सेल्फ मास्टरी का असली काम शुरू होता है। अपने एफर्ट्स को उन चीज़ों पर फोकस करके जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भीतर वर्च्यू, विजडम और जस्टिस को कल्टीवेट करके हम अपनी इनर वर्ल्ड के आर्किटेक्ट्स बन जाते हैं। जब हम अनकंट्रोलेबल को सेरेनिटी के साथ स्वीकार करते हैं और चुनौतियों का सामना विजडम और करेज के साथ करते हैं, तो हम खुद को परिस्थिति के शिकार से अपने भाग्य के स्वामी में बदल लेते हैं। स्टोइक अडेप्टेबिलिटी का सार है जीवन की निरंतर बदलती धाराओं को ग्रेस, इक्वानिमिटी और वर्च्यू के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ नेविगेट करने की क्षमता। अब आइए उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जानें जो हम मेंटल रेजिलियंस को कल्टीवेट करने के लिए उठा सकते हैं, जिसका समर्थन एपिक्टीटस ने किया था, एक अटूट माइंड को बनाने के लिए जो लाइफ द्वारा फेंकी जाने वाली अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। यह इनवर्ड जर्नी, मेंटल ट्रेनिंग की यह प्रक्रिया, फिलोसोफर्स और सेजेस के लिए आरक्षित कोई एसोटेरिक प्रैक्टिस नहीं है। ये उन सभी के लिए उपलब्ध एक पाथ है जो ग्रेटर पर्पस, क्लैरिटी और इनर पीस के साथ जीना चाहते हैं। इस ट्रेनिंग का पहला पिलर है अनसर्टेनिटी को अपनाना। हमें जीवन की इनहेरेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ आना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए कि परिवर्तन ही एकमात्र कॉन्स्टेंट है। स्टोइक्स अक्सर एक तूफानी समुद्र को नेविगेट करने वाले जहाज के एनालॉजी को काम में लेते थे। कुशल कैप्टन जानता है कि वह हवा या लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन वह अपने सेल्स को एडजस्ट कर सकता है, एक कोर्स चार्ट कर सकता है और तूफान के बीच अपने जहाज को चला सकता है। इसी तरह हमें अपने वैल्यूज को थामे रखते हुए, बदलती परिस्थितियों के साथ अडेप्टिंग करते हुए, करेज और विजडम के साथ जीवन के तूफानों को नेविगेट करना सीखना चाहिए। दूसरा पिलर है ग्रोथ माइंडसेट को कल्टीवेट करना। इसमें चुनौतियों को सीखने और ग्रोथ के अवसरों के रूप में अपनाना, असफलताओं को असफलता के रूप में नहीं बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पर स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में देखना शामिल है। याद रखें, हर ऑब्स्टिकल, हर हार्डशिप हमारे लिए रेजिलियंस डेवलप करने, अपने संकल्प को मजबूत करने का अवसर प्रस्तुत करता है। तीसरा पिलर है सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास। इसमें हमारे इम्पल्सिस को मास्टर करना, अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करना और लगातार वर्च्यू के पाथ को चुनना शामिल है, भले ही वह कठिन ही क्यों ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटल रेजिलियंस की आधारशिला है। वह नींव जिस पर अन्य सभी वर्च्यूज का निर्माण होता है। और अंत में चौथा पिलर है रिफ्लेक्शन और अडेप्टेशन। आइए मेंटल फोर्टिट्यूड के निर्माण के लिए खुद को प्रैक्टिकल टूल्स से लैस करें। ये एक्शनेबल प्रैक्टिसेस हैं जो दुनिया के हमारे एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डेली मेडिटेशन, हर दिन की शुरुआत स्टिलनेस के साथ करें, मन को शांत करें और प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ें। ये इनर पीस, क्लैरिटी और फोकस को कल्टीवेट करता है। स्टोइक टेक्स्ट्स, एपिक्टीटस, मार्कस ऑरेलियस और सेनेका के विजडम में खुद को विसर्जित करें। उनके वर्ड्स लाइफ की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए टाइमलेस गाइडेंस प्रदान करते हैं। नेगेटिव विजुलाइजेशन, चीज़ों की इम्परमेनेंस पर विचार करें, कल्पना करें कि आप जिन चीज़ों को प्रिय मानते हैं उनका पोटेंशियल लॉस हो सकता है। ये प्रेजेंट मोमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन को बढ़ावा देता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, अपने लाइफ में अच्छाई पर विचार करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। माइंडफुल ब्रीदिंग, अपनी सांस के प्रति अवेयरनेस लाएं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के नेचुरल रिदम को ऑब्जर्व करें, यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्स करता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करता है। फिजिकल एक्सरसाइज, नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हों, अपने बॉडी को चुनौती दें और रेजिलियंस का निर्माण करें। एक हेल्थी बॉडी
एक हेल्थी माइंड को सपोर्ट करता है। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, समय समय पर असुविधा को अपनाएं, जैसे ठंडे पानी से नहाना या उपवास करना, ये आपके रेजिलियंस को मजबूत करता है और आपको हार्डशिप को सहन करने की आपकी क्षमता की याद दिलाता है। गोल सेटिंग, वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें, उन्हें मैनेजेबल स्टेप्स में विभाजित करें, यह पर्पस और अकॉम्प्लिशमेंट की भावना को बढ़ावा देता है। टाइम मैनेजमेंट, अपने दिन को जानबूझकर स्ट्रक्चर करें, उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन हो, ये स्ट्रेस को कम करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। डिजिटल मिनिमलिज्म, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करें, रिफ्लेक्शन और मीनिंगफुल कनेक्शंस के लिए जगह बनाएं। नेचर इमर्शन, प्रकृति में समय बिताएं, इसकी रिस्टोरेटिव पावर का अनुभव करें। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, उन लोगों के साथ मजबूत संबंध कल्टिवेट करें जो आपकी स्पिरिट को अपलिफ्ट करते हैं। सर्विस टू अदर्स, दयालुता के कार्यों में संलग्न रहें, ज़रूरतमंद लोगों के लिए खुद को आगे बढ़ाएं। दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटता है और पर्पस की भावना को बढ़ावा मिलता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, स्वीकृति के साथ अपनी मृत्यु दर पर विचार करें, यह आपको जीवन की प्रेशियसनेस की याद दिलाता है और आपको पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है। जर्नलिंग, एक डेली जर्नल रखें, अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करें, यह सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। माइंडफुल ईटिंग, अपने भोजन के चॉइसेस पर ध्यान दें, पौष्टिक भोजन का सेवन करें, स्लीप। स्लीप को प्राथमिकता दें, एक कंसिस्टेंट स्केड्यूल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट स्थापित करें। हमने जो पाथ बताया है, स्टोइक मेंटल ट्रेनिंग का पाथ, लाइफ की चुनौतियों के प्रति अभेद्य बनने के बारे में नहीं है। ये इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस डेवलप करने के बारे में है, ताकि एडवर्सिटी का सामना करेज, ग्रेस और विजडम के साथ किया जा सके। ये पहचानने के बारे में है कि भले ही हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। खुद को एक आर्चर के रूप में कल्पना कीजिए, एक टारगेट के सामने खड़े हैं। टारगेट उस जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आप जीने की ख्वाहिश रखते हैं, पर्पस, मीनिंग और वर्च्यू का जीवन। आपके तरकश में लगे तीर उन प्रैक्टिसेस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड, सर्विस टू अदर्स इत्यादि। हर दिन आप लाइन पर कदम रखते हैं और एम लेते हैं, अपने टारगेट पर एक के बाद एक तीर चलाते हैं। कुछ तीर सीधे और सही उड़ सकते हैं, जबकि अन्य कोर्स से भटक सकते हैं, निशान से बहुत दूर गिर रहे हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि जो तीर अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं उनसे निराश हों। इसके बजाय हमें अपनी टेक्निक की जांच करनी चाहिए, अपने एम को एडजस्ट करना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हर शॉट के साथ हम सीखते हैं, हम अडेप्ट करते हैं और हम जीने की कला में और अधिक कुशल होते जाते हैं। द रेजिलिएंट लाइफ, सच्ची फ्रीडम का लाइफ, चुनौतियों से पूरी तरह बचना नहीं है। हमने एपिक्टीटस के विजडम के इलाके को पार कर लिया है, एक ऐसा लैंडस्केप जो रगेड और ब्यूटीफुल दोनों है, डिमांडिंग और अंततः लिबरेटिंग है। याद रखें, दुनिया खुद को आपके सामने इवेंट्स की एक सीरीज के रूप में प्रस्तुत करती है, घटनाओं की एक कियोटिक सिम्फनी जिस पर आपका कंट्रोल सीमित है। लेकिन आपके अस्तित्व की गहराई में, आपके अपने मन के पवित्र स्थान के भीतर, आपकी रिस्पॉन्स को चुनने की शक्ति रहती है। यही वह शक्ति है जो एपिक्टीटस, वह स्टोइक स्लेव जिसने अपने भीतर फ्रीडम पाई, हमें प्रदान करता है। इस शक्ति को अपनाएं, क्योंकि अपनी इनर वर्ल्ड में मास्टरिंग करने पर आप अपने भाग्य के शिल्पकार बन जाते हैं, मीनिंग, पर्पस और एंड्यूरिंग रेजिलियंस के जीवन को आकार देते हैं।